गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, मतलब कि जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करते हो। मैन्युफैक्चर अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? मैन्युफैक्चर अकाउंट जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फिनिश्ड गुड्स की उसको असर्टेन कर सको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असर्टेन करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आप उसे ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेगी और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगी एज इट्स फाइनल अकाउंट्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, जो आपने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं कन्वर्ट करने के लिए फिनिश्ड गुड्स को, उन्हें आप डेबिट करते हैं। तो क्या क्या आइटम्स आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हैं एक बार देख लेते हैं। आइटम्स जो आप डेबिट साइड में शो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का और सेमी फिनिश्ड गुड्स का। जो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, उसे आप सेपरेटली शो नहीं करेंगे, उसे आप शो करेंगे अंडर द हेडिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की हेडिंग के अंडर आप उसे शो करेंगे। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक जो होगा रॉ मटेरियल का, उसमें आप ऐड करेंगे परचेजेस जो आपने रॉ मटेरियल की है ड्यूरिंग द ईयर, प्लस कैरेज इनवर्ड, देन उसमें से माइनस होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर जो आपका आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देन डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने इंकर किए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स और ऑपरेशन जो है फैक्ट्री के कंटिन्यू करने के लिए इंकर हुए हैं। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, जैसे सैलरी फॉरमैन को दी आपने, वॉचमैन को सैलरी दी, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस में पावर, गैस, कोल, रेंट फैक्ट्री स्टोर का, इंश्योरेंस फैक्ट्री की, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और रिपेयर ऑफ बिल्डिंग सेक्टर जैसे एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं। देन आइटम्स जो आप क्रेडिट साइड पे शो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, सबसे पहले सेल ऑफ स्क्रैप। नॉर्मली जब आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्क्रैप आपका निकलता है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा उस स्क्रैप का, उसे आप शो करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, जो आपको हेल्प करेगा इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्यूरेटली। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो आपकी गुड्स हैं जो फुली मैन्युफैक्चर्ड नहीं हुई हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है आप शो करेंगे क्रेडिट साइड पर। ये सारी आइटम शो करने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड पर जो भी आपका डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का, उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और वो डेबिट साइड पर आप ट्रेडिंग अकाउंट के शो करेंगे। देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ, नाम आ जाएगा फॉर्म का जिसका भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं। देन फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड पे टू वर्किंग ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देन फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू सन ड्राई फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जिसे आप ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका इक्वेशन देख लेते हैं। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31st December 2004, स्टॉक ऑन 1st January 2004। स्टॉक किस किस का है? रॉ मटेरियल का है, वर्क इन प्रोग्रेस का है, फिनिश्ड गुड्स हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेजेस, ये सारी आइटम्स आपकी किसकी दी हुई हैं? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेजेस, ये सारी आइटम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी।
देन आपका वेजेस, फैक्ट्री सेल्स, ऑफिस सेल्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीनरी का, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफिस इक्विपमेंट का, डेप्रिसिएशन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, सनड्राई एक्सपेंसेस फैक्ट्री के, सनड्राई एक्सपेंसेस ऑफिस के, स्टॉक ऑन 31st December 2004, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का एंड सेल। चलिए तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबसे पहले टू वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दैट इज 14,000। रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है हम यहाँ पर शो करेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर। रॉ मटेरियल के अंदर हमारा कितना ओपनिंग स्टॉक है 20,000 और परचेज हमने किया 1,60,000 का। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 150, कैरेज ऑन परचेजेस 5,000 की, 5,000 देन लेस किया इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का दैट इज 20,500, ये माइनस कर दिया हमने। देन कौन कौन सी आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगी, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी, फैक्ट्री सैलरीज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगी, ऑफिस सैलरीज आपकी P&L अकाउंट में जाएगी, देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीनरी का जो है वो आपके आपके जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसमें जाएगा, देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिस इक्विपमेंट का ये आपका P&L अकाउंट में जाएगा, डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर आपका P&L अकाउंट में जाएगा, देन सनड्राई एक्सपेंसेस फैक्ट्री के आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे, सनड्राई एक्सपेंसेस ऑफिस का आपका P&L अकाउंट में जाएगा, देन सेल्स आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखेंगे। तो यहाँ देखिए टू वेजेस, टू फैक्ट्री सैलरीज, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड टू सनड्राई एक्सपेंसेस, देन वर्क इन प्रोग्रेस आपका क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ है 9,500 का, देन जो भी बैलेंसिंग फिगर आ गई होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी। इस बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका फिनिश्ड गुड्स का, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमने यहाँ से ट्रांसफर की मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, देन सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड पे P&L अकाउंट की, देन ऑफिस सैलरीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, सनड्राई ऑफिस एक्सपेंसेस एंड दोनों को बैलेंस किया तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी क्या है, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आप प्रिपेयर करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर और जो शो करती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की किसी एक पर्टिकुलर डेट को। इसे बैलेंस शीट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उन बैलेंसेस को शो करती है जो आपके लेजर में रह गए हैं। आपने जब नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दिया है ट्रायल बैलेंस में और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके बाद जो आपके बैलेंसेस रह गए हैं पर्सनल और रियल अकाउंट्स के, उन्हें हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। नॉर्मली जो पर्सनल और रियल अकाउंट आपने लेजर में ओपन किए थे उनका जो अमाउंट है उसे आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, उन्हें डिवाइड करके इनटू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट्स हैं हम उन्हें लिखते हैं राइट साइड पे बैलेंस शीट के और जो लायबिलिटीज हैं उन्हें हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे बैलेंस शीट की। तो डेफिनेशन क्या है बैलेंस शीट की, अकॉर्डिंग टू कार्लसन अ बिजनेस फर्म showing what is owed and what the proprietor is worth is called a balance sheet. Balance sheet क्या है, एक business firm की जो show कर रही है कि firm क्या किसी को owe करती है और जो proprietor है उसकी worth कितनी है, उसे हम balance sheet कहते हैं। Then importance क्या है, need क्या है of preparing balance sheet. बैलेंस शीट हम किस ऑब्जेक्टिव से प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हमें लिक्विडिटी पोजीशन की पता चल जाती है बैलेंस शीट से, क्योंकि उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक किसी एक पर्टिकुलर डेट पर क्या है वो आपको पता चल जाता है। देन अमाउंट जो आपने डेप्टर से रिसीव करनी है, क्रेडिटर्स को पे करनी है, कैपिटल कितनी है ऑनर की, वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट से पता चलती हैं। देन आपका बैलेंस शीट जो भी नेचर ऑफ एसेट्स है उसकी वैल्यू है वो आपको बताती है, सेम तरीके से आपकी लायबिलिटीज की नेचर और वैल्यू बताती है आपको। बैलेंस शीट आपको नॉलेज देती है अबाउट द बिजनेस कि उसे चलाना इकोनॉमिकल है या नहीं है। देन फर्स्ट डे जो ईयर का होता है ओपनिंग एंट्रीज जो आप पास करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ही पास होती है।
नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट को बनाया कैसे जाता है। बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, वो हम आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसे हम फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो बैलेंस शीट है वो पार्ट है आपके फाइनल अकाउंट्स का। ये अकाउंट नहीं है, जो बैलेंस शीट है दैट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसकी है? जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं एक फिक्स डेट पर, उसकी स्टेटमेंट है। इसकी कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, ना ही इसमें टू और बाय वर्ड्स आप लिखते हैं। इस स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। राइट साइड पे हम एसेट साइड कहेंगे जिसे, और एसेट्स वहां पे लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे हम लायबिलिटी साइड कहते हैं उन्हें, और लायबिलिटी प्लस आपकी कैपिटल हम वहां पे लिखते हैं। जो डेबिट बैलेंसेस है पर्सनल और रियल अकाउंट के, उन्हें एसेट साइड पे लिखा जाता है, और जो आपके क्रेडिट बैलेंसेस है उन्हें लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है। जो मेन फीचर है बैलेंस शीट का, दैट इज दोनों साइड्स का जो सम है जो वो इक्वल होता है। देन अरेंजमेंट और मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, जो हम बोल रहे थे कि दो मेथड्स क्या हैं जैसे आप शो करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को, उसी को हम यहाँ पे टॉपिक का नाम दे रहे हैं, अरेंजमेंट और मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आप शो करते हैं बैलेंस शीट में, वो एक स्पेसिफिक मेथड से करते हैं। उस मेथड को, जो मेथड है शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, उसे हम कहते हैं मार्शलिंग। जो आइटम सिमिलर नेचर की होती हैं उन्हें कंबाइन करके हम एक हेडिंग के अंदर लिखते हैं। जो मेन मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं हमारे पास मार्शलिंग के। पहला मेथड है हमारे पास इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इस मेथड के अंदर जो आपकी करंट एसेट्स हैं उन्हें पहले लिखा जाएगा, और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन्हें बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब जो एसेट्स ज़्यादा लिक्विड हैं उन्हें सबसे ऊपर लिखा जाएगा, और जो एसेट्स लेस लिक्विड हैं उन्हें नीचे लिखा जाएगा। जैसे वो एसेट्स जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उन्हें पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद जो लेस लिक्विड है आपकी एसेट्स उन्हें बाद में लिखा जाएगा। इसीलिए जो भी आपका कैश है, बैंक बैलेंस है, उसे पहले हम लिखते हैं, और जो भी डेप्टर्स, स्टॉक या फिक्स्ड एसेट्स है उन्हें बाद में हम लिखते हैं। सिमिलरली लायबिलिटीज के केस में है कि जो लायबिलिटीज आपकी करंट है, जिन्हें आपने पहले पे करना है उन्हें पहले लिखा जाएगा, और वो लायबिलिटीज जिन्हें आपने बाद में पे करना है वो लास्ट में लिखी जाती हैं। तो लिक्विडिटी ऑर्डर का जो ये मेथड है, ये कौन अडॉप्ट करता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स एंड बैंक्स। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट है एज ऑन या फिर एज एट। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज लिख रहे हैं, उसके बाद हम फिक्स लायबिलिटीज लिख रहे हैं, और उसके बाद हम कैपिटल लिख रहे हैं। सेम तरीके से एसेट साइड में पहले हमने करंट एसेट्स लिखी, देन फिक्स्ड एसेट्स लिखी। करंट लायबिलिटीज में भी हम वो लायबिलिटीज जो हमने सबसे पहले पे करनी है उन्हें पहले लिखते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्राई क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिक्स लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स, रिजर्व्स। कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं, उसका पर्सनल इनकम टैक्स आप लेस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल जो उसका ड्रॉइंग है उसको हम लेस कर रहे हैं। देन करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्राई डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इनकम। देन आपके फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर, लूज टूल्स, पेटेंट्स, मोटर व्हीकल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गुडविल। एज एन और एज एट दो वर्ड्स में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बता रहा है। वो हो सकता है नेक्स्ट डे ही आपका कोई एक ट्रांजेक्शन हुई, तो जो आपकी पोजीशन है जो बैलेंस शीट की वो चेंज हो जाती है। तो ये ट्रू रहती है सिर्फ उस डेट के लिए जिस डेट को आपने इसे बनाया है। जो सम होगा दोनों साइड्स का वो हमेशा इक्वल होता है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।